आईपीएल 2023 का खिताबी मुकाबला आज चार बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। पिछले 59 में से फैंस को झमाझम क्रिकेट का ओवरडोज मिला और लीग में कुल 73 बेहद दिलचस्प मुकाबले खेले गए। और आपको बता दें कि आज के मैच के साथ ही दुनिया के इस सबसे बड़े लीग का सफर समाप्त हो जाएगा। आपको बताएं कि आईपीएल 2019 के बाद पहली बार आईपीएल होम और अवे फ्रंट में लौटा है और ये सीजन सुपर हिट रहा और लीग राउंड में आखिरी मुकाबले तक प्लेऑफ की टीमें फाइनल नहीं हुई। अब इस सीजन की शुरुआत अहमदाबाद में ही चेन्नई और गुजरात के बीच मैच से शुरू हुई थी और अब समापन भी उसी मैच से हो रहा है। बता दें कि मैच की शुरुआत शाम 7:30 बजे से होगी और टॉस इससे आधे घंटे पहले यानी शाम 7 बजे से खेला जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन सी टीम बाजी मारती है। हालांकि इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है और अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच क्वालिफायर 2 मुकाबला भी बारिश की वजह से ही 45 मिनट बाधित रहा था। बता दें कि टॉस 7 बजे की जगह शाम 7:45 पर हुआ था जबकि मैच की शुरुआत 8 बजे से की गई थी। हालांकि पूरा मैच खेला गया था और चेन्नई और गुजरात के बीच फाइनल में भी बारिश का खतरा अब मंडरा रहा है। बता दें कि देश के अधिकांश हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से बारिश हुई है और ये आईपीएल 2023 की सबसे महत्वपूर्ण मैच को प्रभावित भी कर सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि 28 मई को अहमदाबाद में ज़्यादातर हिस्से में मौसम साफ रहेगा। वहीं फैंस भी इसी की उम्मीद भी कर रहे हैं। हालांकि एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद में रविवार शाम बारिश होने की संभावना है और रविवार को शाम को बारिश की 40% संभावना है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि अहमदाबाद में कुल 2 घंटे की बारिश की उम्मीदें हैं जिसे अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आज के मैच पर इसका असर पड़ सकता है। और शाम को सूर्यास्त के बाद बारिश होने पर 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी उम्मीदें जताई जा रही हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह जरूर कहा है कि मैच के दौरान काफी हद तक बादल छाए रहेंगे और ऐसे में अहमदाबाद में ओवरकास्ट कंडीशन होने की उम्मीदें हैं और ऐसे में शुरुआत में तेज गेंदबाज को मदद भी मिल सकती है। गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस मैच में जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा बल्लेबाजी के लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर होती नजर आई और नमी के कारण पहले कुछ ओवरों में गेंदबाजों को कम उछाल मिल रही थी लेकिन बाद में बल्लेबाज करना बेहद आसान हो गया था। वहीं आपको बता दें कि आईपीएल 2022 में फाइनल के रिजर्व डे था लेकिन इस साल बीसीसीआई द्वारा जारी प्लेऑफ शेड्यूल के अनुसार आईपीएल 2023 फाइनल के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है। इसलिए आईपीएल 2023 के फाइनल मैच का मुकाबला और उसका रिजल्ट आज ही यानी 28 मई को घोषित किया जाएगा। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आज आईपीएल का खिताब किसके नाम होता है। तो आप किस टीम को सपोर्ट करें हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल टीडी न्यूज़ के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।